हिस्ट्री नहीं बयान करूंगा, उसके लिए वक्त नहीं है। हमने मुकाबला करना है, फिरकापरस्ती का मुकाबला करना। ये जो हिंदू और मुसलमान में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रही है, इस दीवार को तोड़ना है, और उसके बगैर नहीं हिंदुस्तान बचेगा नहीं ये रियासत बचेगी। अगर हिंदुस्तान को बचाना है दफन करना है, जला देना है, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन जाते हैं हिंदुओं के इलाकों में हिंदुओं को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान जो है मुसलमान के इलाके में, मगर नहीं। और यही है, पिछला इलेक्शन भी जीता गया बालाकोट बालाकोट बालाकोट, क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? और लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई, आज भी यही कर रहा है। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं, और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 नेशनल कांग्रेस। बस मेहरबानी कर नारे मत, मुझे ये बताएं जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूं खबरदार, वो सोच न रखना जिससे ये वतन बचेगा या नहीं। इस वतन को बनाया है तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने कभी जवाहरलाल को लाल किले पे 15 अगस्त पे झंडा उड़ाते हुए नहीं देखा। जम्मू में नफरत की लहर आज से नहीं है, 47 से। जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहां पे मुस्लिम लीग थी, हमारी और उनकी सोच में बहुत फर्क था। और उस सोच के फर्क की वजह से 47 में जो कांड यहां जम्मू के इलाकों में हुआ वो उसी की वजह थी। और अगर आज भी वो नफरत बढ़ती रही तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें, हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे इनको रुका नहीं सकेंगे, बचा नहीं सकेंगे। मगर जो ये सोच रखते हैं, पहले तो हमें पाकिस्तानी कहा गया, इस जमात को पाकिस्तानी कहा गया, फिर आपके सामने आए भूलिए मत बिल नंबर 9 आ गई है, पाकिस्तानी आएंगे वो आपको घरों से निकाल देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपके जमीन ले जाएंगे। और मैं कहता रहा आप लोगों से कोई नहीं आ सकता जब तक दिल्ली वाले इजाजत नहीं देंगे, मगर आपने सुना नहीं। जरा बताइए आज उनसे पूछिए जो उस वक्त नारे मार रहे थे कि कौन आया कौन बसा किसको निकाला, पूछिए। मगर यही बेवकूफी हम आज भी कर रहे हैं, आज भी हम ये समझते हैं कि बस जम्मू बचेगा बाकी जाए भाड़ में,
जम्मू बचेगा नहीं जब तक हिंदुस्तान नहीं बचेगा। सागर साहब ने बहुत अच्छा कहा, 3000 लोग मारे गए हमारी पार्टी के, मेरे मिनिस्टर मारे गए, मगर हमने झंडा हिंदुस्तान का छोड़ा नहीं, हम छड़े रहे, मारो जितने मार सकते, मगर हम उधर जाने वाले नहीं, हम इधर जाने वाले। उस वक्त जब नारे तकबीर हो रहा था और यहां हर हर महादेव हो रहा था, तब कश्मीर पाकिस्तान जा सकता था, ये जम्मू कश्मीर की रियासत जो है पाकिस्तान की बन सकती थी, यहां कोई हिंदू नहीं रह सकता, मगर वो लीडर शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी, इसने कायदे आजम से कहा कि नहीं, टू नेशन थ्योरी हमें मंजूर नहीं है। मैं नफरत पैदा करने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें हुकूमत करनी है क्या नफरत पे करनी है? और ये जो तुम लोगों को खरीद रहे हो, क्या समझते हो उसे तुम हुकूमत कर लोगे? हमारे लोग बहुत जानते हैं, पहचानते हैं कि किस लिए तुम ये कर रहे हो, और ये भी जानते हैं कि उनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। कब सीखोगे?